वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को उत्तम बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक ऐसा बजट है जो गरीब को सशक्त बनाएगा, बुनियादी ढांचे को और मजबूत भी बनाएगा, गति भी देगा, हर किसी की उम्मीदों को अवसर देगा, अर्थतंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा। इस बजट में हाईवे भी बने, हाईवे भी बढ़े, दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के सरल इकोनॉमिक निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, दोगुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई हैं। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वॉटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोश दिया गया है। नौकरी के लिए नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, उसको विशेष राशि दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। ये हमारे देश के युवाओं को ध्यान में रख करके
और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका भरपूर फायदा भारत को मिले उस पर ध्यान केंद्रित किया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में न हुआ हो इतना रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये बजट ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है। रेलवे के बजट में एक बात पर विशेष बल दिया है और वो है रेलवे सेफ्टी फंड। इस फंड की मदद से रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने में मदद मिलेगी। बजट में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है उससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होगी और अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण संभव होगा। डिजिटल इकोनॉमी को एक मिशन के तौर पर शुरू किए जाने से आने वाले वर्ष में 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, भेदभाव के अवसर खत्म होंगे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। करीब करीब हिंदुस्तान के अधिकतम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपने देखा होगा बजट में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर चल रही है। पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। इन उद्योगों की पुरानी मांग रही है कि ग्लोबल कंपटीशन में वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाइयां आ रही है। अगर इसके लिए टैक्स कम किया जाए तो हमारे लघु उद्योग जो कि करीब करीब 90% से ज्यादा है देश में, और इसलिए सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाषा में बदलाव करके उनके दायरे को भी बढ़ाया है और टैक्स को भी 30% से घटा करके 25% कर दिया है। यानी देश के उद्योग जगत के 90% से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ये फैसला
मुझे विश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये बजट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है। इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा, नागरिकों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सारी चीजों में अधिक अच्छी सुविधाएं की संभावना बढ़ेगी और बिना वित्तीय घाटा बढ़ाए देश के मध्यम वर्ग के पास उसकी खरीद शक्ति बढ़े, उसके जेब में ज्यादा पैसे आए, वो दिशा में प्रयास है। एक प्रकार से ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार से हमारे सपनों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, हमारी नई पीढ़ी का फ्यूचर है, हमारे किसान का फ्यूचर है। और जब मैं फ्यूचर कहता हूं तब उसका मेरा मन में एक मीनिंग है। ऐप से फार्मर्स किसानों के लिए, यू से अंडर प्रिविलेज दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित महिला उनके लिए, टी से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आधुनिक भारत बनाने का सपना, यू से अर्बन रिजुविनेशन शहरी विकास के लिए, और आर से रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के लिए, और ई से नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट, उद्योग साहसिकों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, एनहेंसमेंट नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजट के लिए इस फ्यूचर को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी को फिर से एक बार बधाई देता हूं और देशवासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये बजट एक बहुत बड़ी सहाय व्यवस्था है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहौल बनाने में ये बजट बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक बार वित्त मंत्री को, वित्त मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई।